इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र। एक के दो दिखाई देते, बड़ा परेशान। अब एक वस्तु है, दो दिखाई दे रहे। डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया, जब सामने पहुंचा तो डॉक्टर के दो किनारे दिखाई दिए। तो सर मैं यहाँ जाऊँ को यहाँ जाऊँ, बाद में याद आया मुझे एक ही दो दिखाई देते हैं, एक ही क्लिनिक है। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच करके ही सामने डॉक्टर बैठा हुआ था। तो सोचता कि इस डॉक्टर को दिखाऊँ कि इसको दिखाऊँ, बाद में वो याद आया, अरे भाई मुझे यही तो रोग है, एक ही दो दिखाई देते हैं। तो वह बोला, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। बोले हाँ कहिए। मुझे एक के दो दिखाई देते हैं, हमारा उपचार कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा आप चारों को एक ही रोग है क्या? और उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा, आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। बोले मैं पूछता हूं आपसे, क्या आप चारों को एक ही रोग है क्या? बोले डॉक्टर साहब मेरा उपचार हो गया, मैं जाता हूं। मुझे तो एक के दो दिखाई देते हैं, आपको एक के चार दिखाई देते हैं, आप क्या उपचार करोगे? तो दृष्टि में मिथ्यापना आ जाना तो मिथ्या दृष्टि, और दृष्टि में सम्यकपन आ जाना सम्यक दृष्टि। तो बाह्य नेत्रों का उदाहरण दिया। अब ये दृष्टि माने सद्धान, जिसकी धारणा जिसकी मान्यता मिथ्या है वह मिथ्या दृष्टि, जिसकी धारणा जिसकी मान्यता सम्यक है सम्यक दृष्टि। सम्यक तो का आशय होता है त्व माने पना, सम्यक माने सम्यकपना, जिसकी आत्मा में सम्यकपना आ गया समीचीनपना आ गया वह सम्यक शुद्ध सम्यक दृष्टि, और जिसकी आत्मा में मिथ्यापना बैठा है मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्यापना सम्यकपना क्या है भाई? ये आम के पने की तरह से है क्या? क्या है पना? पना शब्द है उस वस्तु का द्रव्य का स्वभाव, उसका वेपना। जैसे मनुज माने मनु से इसका जन्म हुआ है, मनुज मनुष्य कहो, मनुज कहो, मानुष कहो, मानव कहो, तो शब्द है मनुज। मनुज माने जो मनु से पैदा हुआ, मनुष्य पैदा हुआ मनुज। और एक होता है मनुजत्व, मनुजत्व इसे कहते हैं मनुष्य का मनुष्यपना। जैसे और भी कहो, जैसे कहते हैं ना मिश्री का मीठापन, नमक का खारापन, ये पन है ना, आम का खट्टापन, आमले का कसायलापन। तो जिसका जो पन है उसका स्वभाव, जैसे आप कहेंगे कोई भी शब्द कहो, तत्व कहते हैं तत्व। तत्व क्या है? नपुंसकलिंग का शब्द तत्व और त्व लगा दिया, तत्व माने वह है। आप संस्कृत पढ़े होंगे, तत्ते तानी पढ़े होंगे आपने, तो तत्वाने हुए नपुंसकलिंग में, तो तत्वाने हुए अत्व माने उसका स्वभाव। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका वेपना, जो हम कह रहे हैं उसका वेपना। जल, जल जानते जल क्या है? जल पानी सब जानते। और जलत्व, उस जल का जलपना। उस जल को जल कब कहेंगे? तो जल में जल का स्वभाव हो तो उसका वो जलत्व है। गुण है, गुण में गुणत्व। कोई भी चीज संसार में है तो उसका वेपना उसमें हमेशा रहता है, उसका वेपना उसमें से निकल जाए वस्तु नष्ट हो जाएगी। अग्नि, अग्नित्व। कहीं भी लगा लेना कोई वस्तु में, लकड़ी या काष्ट है काष्टत्व, पत्थर का पाषाणत्व। तो जो त्व लगा रही हो त्व का आशय है उस वस्तु का पना, यानी वस्तु का वस्तुपना। जैसे द्रव्य में छह सामान्य गुण होते हैं, सुनी होंगे आपने, याद तो नहीं होंगे शायद आपको, छह सामान्य गुण होते हैं वस्तु में द्रव्य में। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अवगुलघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ये छह होते हैं। सब में त्व लगा हुआ है, सब में। अस्तित्व क्या है? अस्थि माने, संस्कृत पढ़े होंगे आप, अस्थि माने है, अस्थि माने है, जैसे इंग्लिश में कहो तो इज, इसका बोध कराने वाला, और संति का जैसे आर, तो अस्थि माने है।
क्या है? संसार में जो कुछ भी है अस्तित्व, और तो माने जो है उसका है का है पना, जो कुछ भी वस्तु संसार में है उसमें वह वस्तु जिस शक्ति के माध्यम से है उसका है पना, वही अस्तित्व गुण है। पर्याय आती रहती है, जैसे हमारी आत्मा है, आज मनुष्य है, कभी देव थी, कभी नार की, कभी पशु, कभी कोई पर्याय, कभी कोई पर्याय, तो पर्याय तो बदल रही है। तो पर्याय बदलती रहेंगी, संसार का कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसकी पर्याय न बदले। तो पर्याय जिससे बदल रही है उस गुण को कहते हैं द्रव्यत्व, द्रव्यपना, अवगुण लघुत्व। इस जीव द्रव्य के जितने भी गुण आज हैं, कल थे, आगे रहेंगे, उनमें से एक भी चेतना का गुण कभी नष्ट नहीं होता और एक भी बढ़ता नहीं है। जितने प्रदेश हमारी आत्मा में उतने रहेंगे। धर्म द्रव्य का जो स्वभाव है उसके साथ है, उसके गुण धर्म उससे अलग नहीं होते, और धर्म का धर्म के साथ, पुद्गल का पुद्गल के साथ। तो ये क्या है? अवगुण लघुत्व, प्रदेशत्व। संसार जितने भी द्रव्य हैं उनके पार्ट होते हैं, प्रदेश होते हैं, अंश होते हैं। तो अंशपना भी पाया जाता है वस्तु में, तो ये अंशपना, तो ये प्रदेशत्व। और प्रमेयत्व, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ किसी न किसी ज्ञान के विषय हैं, जानने के योग्य हैं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान का विषय न हो। तो प्रमेयत्व, प्रमा माने ज्ञान, प्रमेय माने जानने के योग्य, और प्रमेयत्व माने जानने की योग्यपना। तो ये समझ में आ गया, तो शब्द का अर्थ तो माने पना, उसका जो वस्तु है उस वस्तु में उस वस्तु का है पना, तो ये तो हुआ। तो शब्दत्व का अर्थ देख रहे थे कि समीचीन पना, मिथ्यात्मा ने झूठा पना, कोई व्यक्ति मिथ्याभाषी है तो उसमें मिथ्यापना है, कोई सत्यभाषी है तो उसमें सत्यपना है, तभी तो है। तो जिसमें जिसका गुण है, जिसका लक्षण बना रहे अविनाभावी लक्षण गुण, वह उसमें है। तो सम्यक दृष्टि का आशय है जिसके पास समीचीन दृष्टि हो। दृष्टि का आशय यहाँ से नित्य से नहीं लेना है, समीचीन दृष्टि का आशय है श्रद्धा। भगवान को देखने जाते हो, दर्शन करने जाते हो मंदिर में? भगवान को मंदिर में देखने जाते, दर्शन करने जाते? दर्शन करने जाते, देख तो नहीं जाते। देखने में दर्शन में क्या अंतर है? अभी कन्फ्यूजन ना हो, मैं स्पष्ट करता हूँ। हॉस्पिटल में आपका कोई मित्र रिश्तेदार भर्ती है तो उसके दर्शन करने जाते हो, देखने जाते उसे? और भगवान को दर्शन करने देखना होता है बाहर के नेत्रों से, भाई देख के आना, कोई पशु पक्षी का नाम है उसको खराब तो नहीं कर रहा, देख के आना, कोई वहाँ पर चोर तो नहीं है, देख के आना, ऐसा तो नहीं है। तो देख के आना, वो आँखों का उपयोग है। और जब दर्शन की बात कहते हैं तो श्रद्धा की बात, धर्म की बात आ गई। भगवान को हम देखते नहीं, दर्शन करते हैं, निहारते हैं, साधु के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तीर्थ क्षेत्र दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन करने का आशय होता है कि श्रद्धा पूर्वक आँख बंद करके भी भगवान को देखते हो आप, पहले आँख खोल के देखते, फिर आँख बंद करके देखते हो श्रद्धा से, तो श्रद्धा के नेत्रों से। तो ये श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा नेत्र हैं। सम्यक दर्शन के नेत्रों से भगवान को देखते हो तो भगवान दिखाई देते हैं, और बाह्य नेत्रों से देखते हो तो मूर्ति दिखाई देती है, पाषाण की, काले पाषाण की मूर्ति है, या पीतल की मूर्ति है, जलमशल की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, उपरत्न की मूर्ति है, स्फटिक की मूर्ति है। आँखों से देखोगे तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी, और अंदर से देखोगे तो साक्षात भगवान दिखाई देंगे। तो श्रद्धा हो तभी सम्यक दर्शन है। और श्रद्धा किसके ऊपर हो? तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, और जिन धर्म में श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि है। इनमें से चार में से किसी को भी छोड़ दिया तो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। सच्चे देव को नहीं मानता मैं तो सबको मानता हूँ, तो सम्यक दृष्टि नहीं। एक शास्त्र को नहीं मैं तो सबको मानता हूँ, कोई भी शास्त्र हो विश्वभर का, और जो भी पुस्तक है मैं तो उसको शास्त्र मानता हूँ, गलत। कोई भी साधु, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे वस्त्रधारी अस्त्रधारी और जटा वटा कोई रखता है, कैसे भी है, मैं तो सबको सच्चा गुरु मानता हूँ, गलत। भाई गुड़ को गुड़ कहो,
गोबर को गुड़ मत खाओ, कस्तूरी को कस्तूरी कहो, तम्बाकू को कस्तूरी मत खाओ, केसर को केसर कहो, हल्दी को केसर मत खाओ, मेहंदी को मेहंदी कहो, यदि बथुआ की पत्ती है पिसी हुई तो उसको मेहंदी मत कहो, गन्ने को गन्ना कहो, यदि ज्वार का या एरंड की वो है तना उसको गन्ना मत कहो। भगवान तो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है, तोपदेशी होता है, कर्मों से रहित होता है, जो कर्मों से सहित हैं, अस्त्र हैं, वस्त्र हैं, स्त्री है, पुत्र है, परग्रह है, राज्य है, वैभव है, तो भगवान कहाँ, संसारी प्राणी जैसे हो गए ना फिर तो। गुरु जिसमें सम्मो दर्शन ज्ञान चारित हो, संसार श्री भोगों से विरक्त हो, वो गुरु हो सकता है। अब यही क्रिया ग्रस्त कर रहा है उसको भी आपने गुरु मान लिया, मोक्ष मार्गी, तो फिर कांत रहा। शास्त्र जिसमें अहिंसा की बात है, अनेकांत रूप से शास्त्रवाद का आशय लेकर के तत्व को समझा जाए, सस्ता शास्त्र सच्चा है। और यदि कोई बात हिंसा की बातें हैं, पोषण कर रहे हैं, मिथ्या भाषण है, काम सेवन की बातें हैं, और कोई गंदी बातें हैं, उनको शास्त्र कैसे कह सकते हो, फिर तो कोई भी पुष्ट शास्त्र हो जाएगी। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ये परमार्थ भूत जो हैं वही सम्यक्त्व के कारण हैं और इनके माध्यम से ही जैन धर्म है। तो यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य महोदय सम्यक् दृष्टि की बाह्य पहचान क्या है। पूर्वम जड़ेय भरिदम, पूर्व में जिन शास्त्रों का कथन, जिस बात को जिने ही जिनेन्द्र भगवंतों के द्वारा भरिदम कहा गया है, अनंतानंत केवली हुए, तीर्थंकर हुए, वे सिद्ध बन गए, उन सबकी वाणी एक ही वाणी है, अलग नहीं है, सभी वस्तु तत्व का कथन करते हैं। तो पूर्व में जिन केवली भगवंतों ने धर्म के बारे में कहा, तत्व के बारे में कहा, जहठियम जैसा तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरी, सामान्य केवली की वाणी खिरी, ज्यो की त्यों उस वाणी को झेलने वाले गर्धर परमेष्टि। पूर्वम जिणीय भरिदम, पूर्व में जिन भगवंतों द्वारा कहा हुआ धर्म, जहठतम यथा स्थिति में ज्यो की त्यों बिना मिलावट के, बिना कम ज्यादा किए, गढ़ हरिम गर्धर परमेष्टि ने उसे प्राप्त किया, झीला, देवधनी झीलते ना, समुद्र में गर्धर होते हैं, स्वीकार किया, वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, गुरु गौतम के पास पहुँचे या जो भी गर्दन के पास पहुँचे, फिर भी क्या करते हैं, माघ जाति के देवों ने भाषांतर किया तो गर्दर प्रविष्टि उस दिवधनी के शार को विस्तृत करते हैं, शावकों के लिए द्वादशा की रचना करते, तो गर्दर प्रविष्टि ने उसे स्वीकार किया, विस्तार किया, संग्रह किया। पौवायरियक्कम अजम, फिर गर्दर प्रविष्टि के बाद पूर्वायरिय माने पूर्वाचार्य, जो परंपरा से आचार चले आ रही हैं उनसे जो चला आ रहा है क्रम से, वो वायरी कमजम जम बोल रही, वो बोलता है जो हो सद्धी, जो अपने मुशिक शब्द ही बोलता है, तो भगवान की वाणी गर्दर प्रश्न संग्रह की, पूर्वाचार्यों ने कहा आप कोई भी धर्म की बात कहो अपने मन से कहोगे तो मिथ्या दृष्टि, और आगम की बात कहोगे तो इसलिए चाहे कम बोलो किंतु शास्त्र के अनुसार बोलो, अनुवीची भाषण होना चाहिए आपके। अनुवीची भाषण क्या, बीची कहिए तो लहर, अनुमाने पीछे पीछे, समुद्र में नदी में लहर उठती है, लहर टक्का लगाती जाती है, लहर सीधी उठती 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 तरंग सी आती है ना, वहाँ किनारे तक पहुँच जाती है, बीच में खंडित नहीं होती। ऐसे ही अनुवीची भाषण जो भगवान के पास से वाणी चली आ रही है वह क्रम से आपके पास आ गई, उसके अनुसार बोलना वो अनुचित भाषण कहलाता है। तो यहाँ पर जम तम बोल रही, जो हु जो बोलता है, हु कहिए तो निश्चय से सद्दृष्टि वह सम्यक् दृष्टि है, और जो अपने मन से जो चाहे उसे बोलता है, चाहे किसी को दोष लगाता है, निंदा करता है, बुराई करता है, और धर्म के प्रतिकूल चलता है, बोलता है, तो मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक् दृष्टि की सीधी परिभाषा कही, जिसे जिंद भगवान पर विश्वास है, जिसे गर्दर प्रविष्टि आचार्यों पर विश्वास है, जिसे जिनवाणी पर विश्वास है, वह सम्यक् दृष्टि कहलाता है, वह सम्यक् दृष्टि है, और उनके अनुसार ही बात को बोलता है, उससे हटकर के नहीं बोलता, लीक से हटके नहीं बोलता। समझ में आया,
एक गाथा और ले लेते हैं, अपने पास टाइम अभी थोड़ा है ना। अब बता रहे मिथ्या दृष्टि की पहचान। मधुसूदन बलीण दो, मधुसूदन बलीण दो, मधुसूदन बली बलीण दो, सच्छंदम बोलई जिनो देठम, सच्छंदम बोलई जिनो देठम, जोशो होई कुदिठी, जोशो होई कुदिठी, जोशो होई कुदिठी, न होई जिन मग लग रवो, न होई जिन मग लग रवो, न होई जिन मग लग रवो, मधुसूदन बलीण दो, स्वच्छंदम बोलई जिनो देठम, जोशो होई को देठी, न होई जिन मग लग रवो। पढ़िए एक बार और, उच्चारण करने में कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो पूछ लो। हैं, सच्छंदम, 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 हाँ साप जोड़ देंगे तो सच्छंदम, ठीक है। सच्छंद मानी स्वच्छंद, शिक्षाचारी मनमानी, सच पहले साप आधा चा, सच फिर छंद तो आप जानते ही हो, छंद सच्छंद और दापे बिंदी सच्छंदम, सच्छंदम। और कोई दूसरी लाइन में जोशो हुई कुदिट्ठी न होदी जिन मग लग रवो, वाह है ना, रवो बा होता तो रवो कहते, परंतु वाह है तो रवो। हाँ और कोई जिणु दिठम, जिणु जिणु दिठम, जिणु जिणु दिठम, दिठम, हाँ आगे ये नहीं गई, ठीक। हाँ अब इसका अर्थ देखते हैं। पुब्बा यरियक्कमजम, पुब्बा यरियक्कमजम, अच्छा दूसरी गाथा कुदिट्ठी, अच्छा जोशो हो तो दूसरी लाइन गाथा का था, जोशो हो कुदिट्ठी, कुदिट्ठी कु दिट्ठी, कु दिट्ठी, ठीक है। उसका अर्थ देखते हैं। देखो आप ज्ञान जानते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र।